आज हम जेसी आरटी क्लास 8 का 11.1 का पार्ट 3 लेकर आए हैं, जिसमें से क्वेश्चन 6, 7 और 8 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए कि एक बहु 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि एक बहुभुज दिया गया है। तो बहुभुज जो दिया गया है तो पहला बहुभुज, पहला बाह्य कोण, दूसरा बाह्य कोण और तीसरा बाह्य कोण नहीं दिया गया है, चौथा बाह्य कोण दिया गया है लेकिन पांचवा बाह्य कोण नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले इन दो बाह्य कोणों को पहले निकालेंगे, क्योंकि इन दोनों का अंतः कोण दिया गया है। जैसे ये मान लो ये नहीं दिया गया है, तो पहले हम इसको ए मान लेते हैं और इसको हम क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। तो पहले ए और बी का मान ज्ञात करेंगे, फिर हम बाह्य कोण में से एक्स का मान ज्ञात करेंगे। तो जैसे ये देखिए, ये एक सीधी रेखा है। तो हम पहले भी पार्ट वन में बताए थे कि एक सीधी रेखा हमेशा 180 डिग्री का कोण बनाती है, और जिसे हम रैखिक युग्म कहते हैं। तो इसलिए क्या है कि a प्लस 100 इन दोनों का योग जो है, इन दोनों का जोड़ जो है वो 180 डिग्री हो जाएगा। अब 180 डिग्री यानी ये क्या हो जाएगा, रैखिक युग्म हो जाएगा। अब क्या है कि a बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, और ये प्लस में 100 है तो इधर आ जाएगा, तो माइनस में 100 हो जाएगा। तो a बराबर मेरा कितना निकल गया, 80 डिग्री। अब देखेंगे पुनः, क्योंकि हमको b निकालना है, तो b भी एक सीधी रेखा है ये। अब ये एक सीधी रेखा है जिसमें से बी और 110 डिग्री दिए गए हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, बी प्लस 110 डिग्री। अब ये दोनों का योग जो है वो 180 डिग्री होगा, क्योंकि एक सीधा रेखा है, तो एक सीधा रेखा का जो है वो 180 डिग्री का कोण बनाती है। अब ये भी क्या हो जाएगा, मेरा रैखिक युग्म। अब इसको हम देखेंगे, यानी इसमें बी का मान निकालेंगे, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, ये 180 डिग्री बराबर के उधर, अब ये प्लस 110 डिग्री बराबर के अगर उधर ले जाएंगे तो ये माइनस 110 डिग्री हो जाएगा। तो बी बराबर मेरा कितना हो गया, 70 डिग्री, यानी ए और बी निकल गया। अब हम देखेंगे बाह्य कोण में, तो चूंकि बाह्य कोणों का योग यानी किसका है, ये बहुभुज है, तो बहुभुज के बाह्य कोणों का योग निकालेंगे हम। तो बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो इसलिए देखेंगे, पहला बाह्य कोण कितना है, x डिग्री, दूसरा बाह्य कोण कितना है, 75 डिग्री, तीसरा बाह्य कोण कितना है, यहाँ b है तो b हम ज्ञात किए हैं, b मेरा कितना है, 70 डिग्री। यानी यहाँ पहले लिख देते हैं b प्लस 75 डिग्री प्लस a प्लस, यानी इन सभी बाह्य कोणों का योग, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है ना। अब ये देखिए, ये मेरा x डिग्री है, ये मेरा 75 डिग्री है, अब ये क्या है यहाँ b, तो b हम कितना ज्ञात किए हैं, 70 डिग्री ज्ञात किए हैं, तो यहां लिखेंगे हम 70 डिग्री, फिर क्या है ये 75 डिग्री, फिर यहां है a, तो a का मान हम कितना ज्ञात किए हैं, 80 डिग्री। अब a का मान मेरा कितना हो गया, 100, यानी ये हो गया मेरा 80 डिग्री। अब क्या है, इन सभी का योग जो है वो 360 डिग्री, चूंकि बाह्य कोणों, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है ना। अब क्या है कि x डिग्री प्लस, अब इन सभी को जोड़ेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, 300 डिग्री, 300 डिग्री और बराबर में कितना है मेरा, 360 डिग्री। तो x डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, ये प्लस में 300 है, अगर इसको दाईं ओर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 300। तो इस तरह से मेरा x का मान कितना निकल गया, 60 डिग्री, और ये है इसका सही उत्तर। तो ये था मेरा छठा प्रश्न, ठीक है। अब जो है
वो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि ये पंचभुज दिया गया है। तो पंचभुज में दिया गया है पहला कोण 120 डिग्री है, दूसरा 105 डिग्री है, तीसरा में ये जो है वो 90 डिग्री इधर है, तो इधर भी कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, और ये क्या है 120 डिग्री है। तो ये देखिए पंचभुज के पांच कोण है, तो पांचों कोण में से चार कोण दिए गए हैं, ये कोण अभी नहीं दिया गया है, तो ये इसको हम ए मान लेते हैं। अब चूंकि क्वेश्चन नंबर 7 को हम बना रहे हैं, तो चूंकि पंचभुज यहां अंतः कोण दिया गया है, तो चूंकि पंचभुज के अंतः कोणों का योग 540 डिग्री होता है। अब पंचभुज के अंतर कोणों का योग कितना होता है, 540 डिग्री होता है। तो इसका पांचों भुजा क्या है, ये मेरा पहले भुजा क्या हो गया यहां ए, इसलिए ये क्या हो गया मेरा ए प्लस 120 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस 105 डिग्री प्लस 90 डिग्री। अब इन सभी का योग कितना हो गया मेरा 540 डिग्री हो गया। अब क्या है कि इन सभी को जोड़ेंगे हम, तो क्या हो जाएगा ए प्लस 435, 120 और 120 कितना हो गया 240, और 345 और 90 400 क्या हो गया 35, तो 435 डिग्री बराबर कितना हो गया 540 डिग्री, ये निकल गया। अब ए बराबर मेरा कितना है 540 डिग्री, अब ये प्लस में 435 डिग्री है, ये प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में आ गया, तो आपका कितना हो गया 435 डिग्री। अब क्या है ए बराबर 540 में अगर 435 को अगर हम घटा देंगे, 540 में अगर 435 को घटाएंगे कितना हो जाएगा 105 डिग्री, कितना हो जाएगा 105 डिग्री। तो ए मेरा कितना आ गया 105 डिग्री। अब आगे हम देखेंगे कि ये और ये दोनों मिला के एक सीधी रेखा बना रहा है, तो ये एक सीधी रेखा कितना यानी 180 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये अब देखेंगे यानी ये एक रेखीय युग्म बनाती है, तो इसको देखेंगे। तो अब क्या करेंगे a प्लस x बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, यानी ये क्या हो जाएगा रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। अब देखिए कि a का मान हम कितना लाए हैं 105 डिग्री लाए हैं, तो ये a की जगह में कितना हो जाएगा मेरा 105 डिग्री। अब ये क्या है मेरा x है बराबर 180 डिग्री, तो x डिग्री बराबर क्या होता है कितना 180 डिग्री। अब ये 105 है, अगर ये बाईं ओर है, अगर इसको दाईं ओर ले जाएंगे तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा बदल जाएगा, तो ये प्लस में उधर चला जाएगा तो माइनस में, माइनस में कितना हो जाएगा 105 डिग्री, तो x बराबर मेरा कितना हो गया 75 डिग्री, तो x का मान मेरा कितना निकला 75 डिग्री, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हम आपको पहले भी बताए थे कि समचतुर्भुज के आमने सामने के भुजा यानी समचतुर्भुज के भुजा भी बराबर होती है, आमने सामने की भुजा भी बराबर होती है, और कोण भी बराबर होता है ना। तो इसमें ये कोण दिया हुआ है आपका 75 डिग्री, ये कोण जो दिया हुआ है वो मेरा कितना दिया हुआ है 75 डिग्री दिया हुआ है। तो क्या है कि 75 डिग्री दिया हुआ है, तो इसके सामने वाला कोण, क्योंकि समचतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं और सम्मुख भुजा भी बराबर होती है, यानी आमने सामने का कोण और आमने सामने की भुजा क्या होती है बराबर होती है, तो ये कोण अगर 75 डिग्री दिया है तो ये भी कोण मेरा कितना हो जाएगा 75 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो इसलिए अगर हम इसका देखेंगे तो 75 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री, ये क्या हो जाएगा रैखिक युग्म, ये क्या हो जाएगा रैखिक युग्म, क्योंकि ये एक सीधा रेखा बना रहा है, एक सीधा रेखा हमेशा हम जानते हैं कि 180 डिग्री का कोण बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं रैखिक युग्म कहते हैं। अब ये 75 डिग्री और ये x डिग्री,
इन दोनों का योग जो है वो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये 75 यानी ये x डिग्री हो गया बराबर 180 डिग्री, ये प्लस में 75 डिग्री है, ये बाई ओर है, अगर दाई ओर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 75 डिग्री हो जाएगा। तो x का मान यानी 180 में हम 75 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 105 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही उत्तर है वो 105 डिग्री, यही मेरा उत्तर हो गया। तो इस तरह से आप लोग हमेशा रिवीजन करते रहिए और जो भी परेशानी है हमें व्हाट्सएप जरूर करें, धन्यवाद। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को हम देखेंगे कि आयत के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है। आयत के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है, तो अंतःकोणों का योग यानी एक आयत है तो उसके सभी अंतःकोणों का योग जो होता है, जैसे ये मेरा आयत हो गया तो ये कोण और ये कोण और ये कोण, ये हो गया ना, तो ये आयत के सभी अंतःकोणों का योग जो है वो कितना हो जाएगा, क्योंकि ये 90 करके है तो आयत के सभी अंतःकोणों का योग जो है वो कितना हो जाएगा 360 डिग्री होगा। आयत के सभी अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। अब उसी इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को, तो इसमें क्या बोल रहा है कि वर्ग के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है। तो चाहे वो वर्ग हो, चाहे वो आयत हो, चाहे वो पंच ये चाहे वो बहुभुज हो, यानी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, ये तो पहले भी बता चुके हैं। वर्ग हो या आयत हो ये सभी क्या होते हैं, या त्रिभुज हो सभी बहुभुज होते हैं, तो बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो वर्ग के सभी बाह्य कोणों का योग कितना हो जाएगा 360 डिग्री होगा। धन्यवाद।